हेलो, वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें इवेल्युएट करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। तो इसका पहला पार्ट है 99 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। हम ऐसे नंबर के आसपास इसको ब्रेक करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो आते हो। ठीक है ना, तो जैसे कि 99 नहीं, 100 के पास है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। ऐसा लिखने से फायदा क्या होता है, देखिए 100 का क्यूब करना बहुत ही इजी है, इसलिए हम इसको जीरो वाले नंबर्स के आसपास ब्रेक करते हैं। अब हमें इसको करने के लिए x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए x माइनस वाई का जो होल क्यूब होता है, इसको याद करना बहुत ही आसान होता है। मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इसमें आप क्या करो, यहाँ पर एक्स माइनस वाई है तो इसमें एक्स माइनस वाई ऐसे ही लिख दो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, एक बार माइनस लगा के 3 लिखो और एक बार प्लस लगा के 3 लिखो। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के सर पे आपको 3 लिख देना है और फिर एक्स वाई एक बार यहां पर और एक बार एक्स वाई यहां पर लिखना है। एक बार एक्स का स्क्वायर करना है, वाई को ऐसे छोड़ देना है, और एक बार एक्स को ऐसे छोड़ना है, वाई का स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, तो एक्स की वैल्यू हमें मिलती है 100 और वाई की मिलती है 1। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स क्यूब है यानी कि 100 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में वाई क्यूब है, यहाँ पे 1 है वाई की जगह यानी 1 क्यूब हो जाएगा, माइनस 3। ठीक है, एक्स का स्क्वायर वाई ऐसे ही, प्लस 3 एक्स ऐसे ही और वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 100, वाई की वैल्यू है 1, फिर से एक्स की वैल्यू 100, वाई की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे आप 100 का क्यूब करोगे। ठीक है, तो 100 का क्यूब कैसे करोगे आप, 1 का क्यूब 1 हुआ। यहाँ पर देखिए दो जीरोज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये दो जीरो आप कितनी बार रिपीट करोगे, तो पावर 3 है तो 3 बार, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, 3 बार आप दो दो जीरो ऐसे लिख दोगे। माइनस में 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 ही आएगा, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 100 का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख के आप क्या करोगे, दो जीरो है पावर 2 है, यानी आप दो जीरो को दो बार ऐसे रिपीट करोगे दो दो के पेयर में। प्लस में 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 300, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या क्या मिला हमको, यहां पे हमें मिल गया 1 के आगे 6 जीरो माइनस 1। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस माइनस, 3 वन जा 3 और फिर 4 जीरो 1 2 3 4, प्लस में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 300 को, तो ये 300 आ जाएगा। अब देखिए ये जो नंबर है ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 100300। ठीक है, और ये दोनों नंबर माइनस के हैं, इसके पहले माइनस है, इसके पहले भी माइनस है, तो इन दोनों को ऐड कर लोगे, इसको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 3000 एंड 1। ठीक है, तो इसमें से हमें ये माइनस कर लेना है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं 000300, और इसमें से हमें माइनस क्या करना है, माइनस करना हमें 1000 और 3। ठीक है, तो 10 में से 1 गया, यहाँ बचा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ 2 में से 0 गया, 2 बचा, क्योंकि इसको हासिल दिया होगा, यहाँ पे 0 माइनस 0 0, यहाँ पे 0 में से 3 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे। 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 9 बचा हुआ है और यहाँ पे हम 9 यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रफ वर्क है, तो यहाँ पे देखिए क्या है आंसर, 970299। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। अब देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 102 का होल क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2, बस वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो 100 में आप 2 जोड़ोगे तब भी आपको 102 ही मिलेगा, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, इसको भी याद करना बहुत ईजी है। जैसे उसमें x माइनस वाई था तो हमने x माइनस वाई लिखा था शुरू में, यहाँ पर x प्लस वाई है तो आप x प्लस वाई लिखोगे। उसमें क्या था, एक बार हमने माइनस में 3 लिखा था, एक बार प्लस में, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों बार प्लस में 3 लिखेंगे। ठीक है ना, और फिर इसके सर पे 3, इसके भी सर पे 3, एक बार एक्स वाई यहाँ पर और एक बार एक्स वाई यहाँ पर, एक बार एक्स का स्क्वायर वाई अकेला और एक बार वाई का एक्स अकेला और वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई की क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 100 हो गई, वाई की वैल्यू 2 हो गई, बस हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे 100 का क्यूब आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब यानी कि 2 का क्यूब आ जाएगा प्लस में 3x का स्क्वायर वाई प्लस में 3x ऐसे ही और इस बार y का स्क्वायर। x की जगह हमारे पास 100 है, y की जगह 2 है, x की जगह 100 है, y की जगह 2 है। तो यहाँ पे देखिए 1 लिखोगे और आप दो जीरो को 3 बार रिपीट करोगे, एक बार,
दो बार, तीन बार इसका क्यूब हो गया, प्लस में दो का क्यूब कितना होता है, एट होता है, प्लस में थ्री इंटू टू कितना हो गया, सिक्स। हम हंड्रेड से शुरू में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जब तक हम पावर सॉल्व नहीं कर लेते, इसलिए मैंने थ्री और टू को मल्टीप्लाई किया। हंड्रेड का स्क्वायर कितना होगा, दो जीरो है, दो बार रिपीट करोगे, एक दो, ठीक है, प्लस में थ्री इंटू हंड्रेड कितना हो जाएगा, थ्री हंड्रेड, और यहाँ पर दो का स्क्वायर कितना होगा, फोर। तो अब हमें क्या करना है, देखिए वन के बाद सिक्स जीरो आप ऐसे ही रहने दो, प्लस में एट भी ऐसे ही रहने दो, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे, सिक्स वन जा सिक्स, आगे चार जीरो है, चार जीरो लगा दो, प्लस फोर इंटू थ्री कितना होता है, ट्वेल्व, दो जीरो हैं, दो जीरो लगा दो, इन सबको हमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ रफ में मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, वन के बाद एक दो तीन चार पाँच छः जीरो है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है चार जीरो फिर छः, एक दो तीन चार और यहाँ पे छः, यहाँ पे दो जीरो फिर बारह, एक दो, ठीक है, और फिर क्या है आठ। आप जरा सीधा सीधा लिखना, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जोड़ोगे एट आएगा, यहाँ जोड़ोगे जीरो आएगा, इसको जोड़ोगे दो आ जाएगा, इसको जोड़ोगे एक आएगा, इसको जोड़ोगे छः आएगा, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर एक। तो यहाँ से हमें आंसर मिला 106108। तो ये था इसका सेकंड पार्ट, अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है इसमें हमें 998 का होल क्यूब निकालना है, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। इसमें भी आप फॉर्मूला लगाओगे x माइनस वाई की क्यूब का, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं ये नहीं कर रहा, ये आप कर सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा, तो आप ये कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।